गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल हैं आपके। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो आज का वीडियो देख के डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं। आज जब मैंने सोचा कि मेरे बालों को चेंज करना है मुझे, मैंने आप लोगों से वोट भी मांगी थी कि बड़े करूँ, बड़े ही रखूँ या छोटे करूँ या कुछ भी। सो 65% दोस्तों ने छोटे करने के लिए कहा है। अब कितने छोटे मुझे पता नहीं है। मैं जाने वाली हूँ बाल कटवाने के लिए, होपफुली मुझे जगह मिल जाएगी। मैंने अपॉइंटमेंट नहीं ली है, सो देखते हैं, शायद मैं बालों का कलर भी चेंज करूँ। सो काफ़ी सारी चीज़ें मैं चेंज करना चाहती हूँ, देखते हैं ये सक्सेस होती हैं या नहीं, क्योंकि मैं बोर हो चुकी हूँ सेम बालों से। और मुझे लगा कि जब मैं बाल चेंज करूँगी तो शायद मैं बिल्कुल ही डिफरेंट सोचूंगी एंड कुछ रिफ्रेश होगा मेरी जिंदगी में। और ये सब मैंने खाना खा लिया है। खाना मैंने इसलिए खाया है क्योंकि फिर उतर जाके मुझे भूख लग जाएगी एंड फिर मेरे पेट से गुड़गुड़ आ जाएगी, पेट मेरा आवाज़ करेगा कि ओ आई एम हंग्री। सो बहुत एम्बेरसिंग हो जाता है मेरे लिए। सो एंड ओके, मेरी ना नेक में कुछ प्रॉब्लम है। कल जब मैं सुबह उठी, हिम्मत का लंच तैयार कर रही थी मैं, और मैंने कुछ उठाने के लिए ऐसे अपनी आर्म ऊपर की किचन में, और एकदम से क्रिंग हुआ कुछ एंड मेरा नेक स्टिफ हो गया एकदम से। सुबह में जब मैं उठी तब मैं ठीक थी, पर तब से ये मेरा नाक ना नाक नहीं नेक नेक नाक ओके सो तब से मेरा ये गला ऐसे ऐसे हो गया। ओके अब वैसे मैं टर्न कर सकती हूँ, पर ये वाली चीज़ करने के लिए ना ईयर को शोल्डर तक लाने के लिए बहुत पेन हो रही है। सो यार, इसके लिए मैंने काफ़ी नन्ही मन्नी सी स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइजेस की हैं, पर फ़र्क नहीं पड़ रहा। वैसे मैंने सोचा था कि आज आराम कर रही हूँ, पर मैं बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हूँ मेरे हेयर कट कराने के लिए, ताकि मैं एक नई एनर्जी फील करूँ, क्योंकि मैं बोर हो गई हूँ सेम एनर्जी से। सो मैंने सोचा कि नेक की पेन को इग्नोर करते हैं, जल्दी से हेयर कट करा दें। ओके बाय। सो सबसे पहले हम हमारे बालों को काटने वाले हैं। I got my head out the sunroof, I'm blasting my favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes. Basic wedding etiquette dictates invitations go out 45 days prior to the event. Okay, so maine mask pehna hua hai, shayad aapko main dikhne nahi dungi. और बालों पे कई जगह तो वो क्या बोलते हैं, लिफ्ट अप कहते हैं, वो हो चुका है, कहीं का नहीं हुआ है, तो वी आर वेटिंग। ओके, तो मेरे बालों पे लाइटनर हो चुका है एंड नाउ शी इज़ टोनिंग इट आउट। होपफुली आई एम गोना बी डन बाय 20-30 मिनट्स, राइट? हाउ मेनी आवर्स आई स्पेंड? 3 आवर्स। इफ यू कैन टेक ऑफ योर मास्क यू कैन टेक ऑफ, बिकॉज़ आई एम यूजिंग दिस लुक। ओह या, इज इट ओके? This is leave-in conditioner to make your eyes smooth. Okay, so we done. Yeah, we done. Finally, you can move. And my husband can move. Oh, right. Okay, so we're gonna take husband's reaction. What happened to your hair color? I changed it. You changed it back to normal? Say something. I love your hair color. Daddy, give reaction for my new hair and my new hair color. ठीक है, बढ़िया। टर्न अराउंड। फ्रेश नहीं लग रही? फ्रेश लग रही है। नवा ह्यूमन नहीं लग रही? बढ़िया लग रही है, डिफरेंट। तुझे नवी गर्लफ्रेंड मिल गई, फ्री चे, फ्री फ्री। मैं बालों को रंग कराया।
ओके सो घर आने के बाद हम दोनों, मैं और हिम्मत, जा रहे हैं छोटी सी डेट पे. हिम्मत और मैं खाएंगे पिज्ज़ा. उसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली हम दोनों खाने वाले हैं आइसक्रीम, क्योंकि हमारे यहाँ पे डाउनटाउन में एक बहुत ही प्यारा आइसक्रीम का स्टोर है जो हम हमेशा देखते पर जाते नहीं हैं. पर आज मुझे लगता है कि अच्छा दिन है आइसक्रीम खाने का, क्योंकि 15 डिग्रीज है. पर थोड़ा क्लाउडी हो गया, शायद बारिश भी हो सकती है, पर हम दोनों चिंता नहीं करेंगे, हम दोनों आइसक्रीम खा के रहेंगे. और उससे पहले हम दोनों खाएंगे हमारा फेवरेट पिज्ज़ा लोलो. Hello guys, welcome to Himachi. और ये दोस्तों, तो हम लोग पहुँच चुके हैं पिज्ज़ा खाने के लिए. सबसे पहले पिज्ज़ा खाएंगे और उसके बाद वॉक करेंगे, देन हम खाएंगे आइसक्रीम. एंड हिम्मत जैसे कैसे कंप्लेंट्स कर रहा है बहुत ज़्यादा, वो हमेशा ही कंप्लेंट्स करता है कि ब्लो 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 याडी याडी याडी. Prefer ice cream. Yes, I'm excited for pizza because I'm very hungry. It's been like 4 hours since I've been spending on my hair, which Mimi loved. Okay, and now I'm gonna eat pizza. Let's go. Celebration! Look at her outfit. She's so good. So we have a pizza lotto. Guys, I'm excited to eat my pizza. दोस्तों, तो हम दोनों यहाँ पे स्टेयर्स पे बैठ के खाने वाले हैं पिज्ज़ा स्लाइसेस एंड वी आर वेरी एक्साइटेड. अभी वैसे थोड़ी ठंडी होनी शुरू हो चुकी है क्योंकि क्लाउडी है ना, इसलिए थोड़ा ठंडा लग रहा है. पर इतना नहीं है कि आपको बाहर बैठ के खा नहीं सकते, राइट हिम्मत? सो मुझे पर्पल स्वीट पोटैटो चाहिए थे, वो है नहीं, तो मैं ये वाला लेने वाली हूँ क्योंकि हस्बैंड को खाने हैं ये. गाइस लुक एट दीज मिनी क्यूकम्बर्स, कितने क्यूट है ना, इतने ज़्यादा मीठे होते हैं ना, ये इतने मज़ेदार. Sun rays out, shining out, it's just how we glow. Create this vibe within the zone. We don't care. Mama, can I get the bath bombs? Okay, show me the choice. Yay, okay. Guys, I got this cool one. Okay, so what if I say you can pick 10? I can pick 10 actually? Yes. Yeah. Guys, I'm really excited. Mm-hmm. Oh, you don't have yellow. Oh. Good job. Submission. You turn me on, 'cause we already. No warm up, it just got sweaty. No lightweight, we just got heavy. No small talk. What my handsome husband doing? I'm making my meal. Oh, I'm making my meal. तो गाइस, जो मैं मेरे हस्बैंड के लिए पर्पल
स्वीट पोटैटो लेके आई हूँ, वो वाइट निकला है अंदर से, ये मुझे अरबी जैसा लग रहा है, आई डोंट नो क्या है, कचालू कचालू लग रहा बहुत। चलेगा, सब कुछ चलेगा। पति आजकल जिम को बहुत ज़्यादा सीरियस ले रहे हैं और खाने पीने का ध्यान बहुत ज़्यादा रख रहे हैं, रोटी ऑलमोस्ट इन्होंने बंद कर दी है, राइस कभी कभी खा लेते थोड़े से, और ये अपना शरीर आपको रिवील नहीं करना चाहते, पर नीचे चार कपैक तो आई बैठे हैं, देखो सो ऐसा ही खा रहे हैं ये, एंड यस टेस्ट कर रहे हैं तरह तरह के फूड, कुछ उनको सूट कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे, कोई कोई फूड आइटम इनको डायरिया करा देता है, सो बेचारे काफ़ी कश्मकश में चल रहे हैं आजकल। सो यही है इनकी ज़िंदगी का अपडेट, इनका काम है सवेरे उठ के जिम जाना, सारा दिन खाते रहना, देखो सो एक मील खा के दूजे की तैयारी पहले कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, सो ये है मेरे नए बाल, मुझे लगता है कि मैंने आपको अच्छी तरह दिखाया नहीं क्योंकि हम 5 दौड़ में पै गए थे, तो जल्दी से देख लें, कुछ इस तरह की लेंथ है, और मुझे मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा हेल्दी लग रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा खुश फील कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि बाल जब आप चेंज करते हैं ना एक नई एनर्जी आ जाती है। आपने सो यहाँ मुझे लगता है कि आपने ऑलरेडी ये सुना होगा कि जब आप बाल चेंज करते हैं ना तो नई एनर्जी आती है, एंड वैसे मेरा मुझे लंबे बाल अच्छे लगते हैं और मैं लंबे बाल काफ़ी समय तक रखना भी चाहती थी, पर पता नहीं कुछ दिन पहले जाने से खुजली होनी शुरू होगी कि मुझे बाल छोटे करने हैं, एंड जो अभी मैं इंस्टाग्राम पर पोस्ट देख रही थी या कुछ भी, हर एक लंबे बालों वाली लड़की मुझे अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि मैं चाहती थी कि छोटे बाल हों, सो छोटे बाल कर लिए हैं मैंने। सो यस, मेरे बालों को मैंने छोटा कर लिया है। दूसरी चीज़ है कि बाल छोटे करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा, पर मैं मेरे बालों का रंग चेंज करना चाहती थी, एंड मैं चाहती थी कि मेरा जो रंग है वो नेचुरल भी लगे और अच्छा भी लगे, सो मैंने हाईलाइट्स कराए हैं, तो आई डोंट नो इस कलर को क्या बोलते हैं, बट पर मेरे नेचुरल बालों से मिलता जुलता ही हाईलाइट किया गया है क्योंकि मुझे मैं नहीं चाहती थी कि ना बहुत ही ऑब्वियस सा दिखे कि ओ माय गॉड हाईलाइट्स, और बहुत ज़्यादा जो फेक सी चिट्टी चिट्टी लाइंस या कुछ बहुत लाइट कलर होते हैं ना मुझे अच्छा नहीं लगता, बट या उसने कहा है कि ये जब जैसे जैसे मैं बालों को धोती रहूँगी तो वो थोड़ा लाइट होता जाएगा, बट मैंने काफ़ी डार्क किया है कि बहुत ज़्यादा नोटिस नहीं कर पाएंगे आप, पर अगर आप मेरे क्लोज होंगे तो आपको पता चलेगा कि यह कुछ तो कलर है। आप मुझे बताना कि आपको मेरा नया हेयर कलर कैसा लगा, मेरा नया हेयर कट कैसा लगा। लास्ट टाइम मैंने मेरे बालों को बहुत छोटा कर लिया था 2011 सो 10 साल के बाद मेरे बालों को मैंने दोबारा से छोटा किया है। सैलून में मैं गई हूँ अराउंड 5 साल बाद, वो 5 ईयर्स में मेरे बालों को खुद ही काट रही थी। आज तक मैंने मेरे बालों को कभी भी रंग नहीं करवाया है बाहर से, सो ये मेरी ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस था बालों को कलर करवाने का। सो जो लेडी वहाँ पे काम करती थी वो हमें जानती है काफ़ी, क्योंकि मैं और हिम्मत हमेशा उसी से हेयर कट करवाने जाते हैं हिम्मत का, एंड उन्होंने बहुत अच्छी जॉब की है, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। मोस्ट प्रॉब्ली वो मेरी ये वीडियो देखेंगी, थैंक यू सो मच भावना, आपने इतना अच्छा मेरे बालों को रंग किया है, एंड आपने कितने पेशेंस के साथ कितने घंटे मेरे ऊपर स्पेंड किया, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू वेरी मच, एंड आई एम वेरी हैप्पी, एंड दैट्स इट। सो आज की वीडियो के लिए मुझे लगता बस इतना ही, एंड लुक एट दीज, ढेर सारे बाथ बॉम्ब्स जो हिम्मत लेके आया है 10, क्योंकि उससे बाथ बॉम्ब से नहाना बहुत अच्छा लगता है। आई होप आपने ये नया हेयर न्यू मी वाला व्लॉग इन्जॉय किया होगा, एंड आप बताएं कि आपको नए हेयर से मैं न्यू मी लग रही हूँ, मुझे लग रहा है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। सो मैं आपको मिलूंगी कल नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइज अ ब्यूटिफुल द वे यू आर, स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग, वी गाइज कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग, ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन, दैट्स इट, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं ना, सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ को मिस नहीं करें। मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, सारे ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाय, लव यू।